नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम के साथ अपनी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा साझा किया, साथ ही बचे 1 साल के कार्यकलाप के विषय में आगे क्या उनकी रणनीति है इसको लेकर उन्होंने उनसे वार्तालाप की। आपको बताते चले कि 26 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं। इस दिन सरकार बड़ा आयोजन करने जा रही है। सीएम ने इसके लिए पीएम को न्योता भी दिया है। वहीं मनोहर लाल ने पीएम को एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजा हालात और पंजाब में इसको लेकर पंजाब सरकार से जो रणनीति बनी है उसको लेकर चर्चा की गई, जहां हरियाणा में विकास कार्य होने और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बदल रहे राजनीतिक माहौल को लेकर भी जानकारी दी। वहीं एसवाईएल मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बातचीत का न्योता भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि एसवाईएल के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मिलने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पंजाब सरकार निश्चित रूप से इस मामले को हल करने में अपना अहम योगदान और सहयोग करेगी। फिलहाल आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अब आगामी साल यानी कि चुनाव की तैयारी में लग गई है। सरकार का यह मानना है कि अब कार्यकाल पूरा हो रहा है और जिसे लेकर अब तैयारी की जाए। फिलहाल 5 सालों तक 4 सालों तक सरकार ने क्या काम किया इसे लेकर लगातार अब सरकार इसकी समीक्षा बैठक के लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री से सोमवार को मुलाकात की और पूरा 4 साल का लेखा जोखा रखा। और उन्होंने 1 साल के विषय में भी बताया कि आगामी हमारी ये रणनीति है और हरियाणा के लिए ये काम करना जरूरी है, जिससे जनता के पास एक खुशी और समृद्ध सरकार का एक पैगाम जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज हम इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा करेंगे आखिर की 4 सालों में हरियाणा की सरकार ने क्या कुछ किया है। हमारे साथ शेषपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता के रूप में मौजूद है। वहीं डॉक्टर टीना कर्मवीर जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मौजूद है। ओंकार सिंह एनएलओ प्रवक्ता के रूप में मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शेषपाल जी आपसे, सरकार ने 4 साल तो सरकार पूरे करने जा रही है, 5वें साल में कदम रख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री जी के पास भी गए, उनसे बातचीत करके अपने सरकार के जो 4 साल का लेखा जोखा है उसे पेश कर दिया गया है प्रधानमंत्री के सामने, जनता के सामने कैसे रखेंगे शेषपाल जी? देखिए रवि जी, जो 4 साल का हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, सेवा रही, उसको हमारे को जनता के सामने प्रदर्शित करने का, रखने का ऐसा कोई वो नहीं है। जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है कि मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दूसरे प्लान के अंदर पूरे प्रदेश भर का इतना विकास किया, इतनी त्रुटियां इतनी कमियां हमने दूर की कि आज का आज प्रदेश का हर मतदाता सिर्फ एक ही वार्ड जो रहा है कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण पेश करता हूं। हमारी सरकारों से पहले क्या होता था, बीपीएल कार्ड थे, राशन कार्ड थे, इनके अंदर लाखों त्रुटियां थी। इस प्रकार के हमने फर्जी इतने राशन कार्ड हमने समाप्त किए हैं, जिनकी पेंशन, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो लोग उसके पात्र नहीं थे, इस प्रकार ये दो हमारे विपक्षी लोग हैं उनकी जेबें भरी जाती थी। अब हमने, हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहला काम ये किया, जो इसके पात्र हैं 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है उनको इन श्रेणी के अंदर लिया गया। इसके अलावा हमारी सरकार ने पीपीपी परिवार पहचान पत्र एक ये नया हमने सिस्टम लागू किया, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर के जो भी मतदाता है, जो भी नागरिक है, उनको पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे जी, अगर हम नौकरियों की बात करें, हरियाणा सरकार ने लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के करीब अब तक हमने युवाओं को नौकरी दी है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है, बिना सिफारिश की नौकरी दी है। जो योग्य युवक है उनको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार से पहले क्या होता था, पर्ची चलती थी, रिश्वत चलता था, पैसा चलता था, किसान लोग जो थे वो अपनी जमीन गिरवी रखकर नौकरी के पीछे भागते थे। जो उस परंपरा को हमने समाप्त किया है, मेरे ख्याल से हमारे मतदाता जो हैं, जो इस बात को समझते हैं,
वो उम्र भर इसको याद रखेंगे और उनकी एक ही दुआ है कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का समय रहे। इस प्रकार के हमने भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल शेषपाल जी बिल्कुल बिल्कुल आपने अपने काम भी गिनाए, चार सालों के अंतर्गत आपने क्या काम किया, सरकार ने क्या काम किया, जिनका कल्याणकारी जो आपके काम है उसको आपने गिनाए, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है शेषपाल जी कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। देखिए जब तक विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा वो चिल्लाएगा नहीं, वो सुर्खियों में कैसे आएगा। बिल्कुल 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 शेषपाल जी समय है, हम आपके पास आएंगे, एक छोटा छोटा कमेंट टीना जी से भी ले लें और ओंकार जी भी हैं, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे जी। टीना जी क्या कुछ कहेंगी? शेषपाल जी तो सीधे सीधे उन्होंने बताया कि सरकार जो है जन कल्याणकारी काम कर रही है। टीना जी देखिए हरियाणा जो है 9 साल में हम विकास की पटरी से, इन्होंने हरियाणा को कैसे उतार दिया, मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए ये प्रदेश 2014 से पहले रोजगार देने में नंबर वन था, वहीं आज आप देखेंगे लगातार सीएमआई की रिपोर्ट, वो हर मंथ में रिपोर्ट पेश कर रही है कि लगातार 37.4% जो है बेरोजगारी दर, और नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे उसमें तो हरियाणा नंबर वन। तो हर जितनी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उन सब रिपोर्ट्स में ये दिखाता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन। लेकिन अगर आप खुद भी अगर कोई इस तरीके का सर्वे करना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, हर तीसरा बच्चा यहाँ बेरोजगार है। और मैं एक डाटा भी देना चाहती हूँ कि देखिए 2019 की बात अगर की जाए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हुई उसमें 18 सीट थी, 18 सीट में इन्होंने क्या किया, 11 सीटें जो है वो बाहरी प्रदेश के युवाओं को देने का काम किया। मैं पूछती हूँ इस सरकार से, क्या जो यहाँ जो ये जो छात्र जो इन्होंने एग्जाम दिया जो पेपर दिया वो हरियाणा के नहीं थे? आपने हरियाणा के युवाओं को लेने का काम नहीं किया, ये किस तरीके की रणनीति है? आप सोचिए कि आपके प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहा है और आप अपने प्रदेश में नौकरियां नहीं दे रहे हो। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिसकी आरएसएस से गठजोड़ है वो नौकरी ले सकता है हरियाणा में आके, और वैकेंसी भी सिर्फ वो भरी जाएंगी जो आरएसएस से और बीजेपी से, क्योंकि आरएसएस में ऐसा क्यों कह रही हूँ, आरएसएस मात्र संस्था है, इनकी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सिर्फ उन लोगों को भर्ती करते हैं। और आप ऐसी कितनी रिपोर्ट है, आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, शिक्षा विभाग में तो कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहां पर ये पैसे देकर नौकरियां नहीं लगा रहे। और ये बात मैं वो फैक्ट के साथ कर रही हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। इस प्रदेश के अंदर इसकी जो राजनीति को इन्होंने कितना खोखला करने का काम किया है। आज हरियाणा से हम ये कहते हैं कि हम हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर वन, लेकिन ईडी सीबीआई कभी इनके मंत्रियों के यहाँ नहीं जाती है। मैं अमृत घोटाला की अगर जिक्र करूं, 428 करोड़ का घोटाला हुआ इस प्रदेश में, लेकिन किसी मंत्री के घर हमने आज तक तो कोई खबर नहीं देखी कि किसी मंत्री के घर कभी कोई जांच हुई। लेकिन अगर वहीं पर माफी चाहती हूँ, कोई विपक्ष का नेता अगर इस भ्रष्टाचार में पाया भी जाता या नाम भी आ जाता, संजय सिंह को हमने देखा किस तरीके से उठाकर ले गए, और विपक्ष के जितने नेता हैं उनको ये उठाकर बंद कर देते हैं, लेकिन अपने नेताओं के गिरेबान में झांककर नहीं देखते। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 11,000 जो है सफाई कर्मचारी पहली कलम से उनको लगाया, लेकिन आज भी वो लोग भटक रहे हैं दर-दर कि उनके पास नहीं है कोई भी सरकार। आशा वर्कर लगातार प्रोटेस्ट करती रही और किसान प्रोटेस्ट करते रहे, युवा प्रोटेस्ट करते रहे, महिलाएं प्रोटेस्ट करती रही, मुद्दे उठाए, पहली की रोजगार और दूसरा आपने ईडी और सीबीआई। फिलहाल ओंकार जी आपके पास आएंगे, सरकार ने जो कार्य किए हैं शेषपाल जी ने बताया कि सरकार ने कितनी बेहतरी के साथ जन कल्याणकारी काम किए हैं और सीएम मनोहर लाल खुद प्रधानमंत्री को इसकी बात जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे ओंकार जी? रवि जी, शेषपाल जी ने तो अपना कर्तव्य निभाया, अपनी पार्टी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा से इन्होंने अपना ड्यूटी पूरी की। लेकिन इतिहास में अगर किसी सरकार के बारे में लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा असफल नकारा सरकार कोई हुई, वो सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परेशान हुआ हो, प्रत्येक वर्ग परेशान हुआ हो, वो सरकार का नाम बीजेपी और बीजेपी जेजेपी सरकार का नाम आएगा। ये अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, ये तो बता दें, 4-4.5 साल हो गए इनको गठबंधन में और 5 साल इंडिपेंडेंट इन्होंने सरकार चलाई, इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, इन सब में नंबर वन पहुंचा दिया। इसके अलावा ये परिवार पहचान पत्र की तारीफ कर रहे थे, शीशपाल जी नोट कर लेना, परिवार पहचान पत्र बीजेपी के कफन में हरियाणा में आखिरी कील साबित होगा। ये आपकी सरकार को ले जाएगा परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी,
47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाई, सारी की सारी गलत, किसी में नाम, किसी में जगह, किसी में एड्रेस, किसी में मोबाइल नंबर, किसी में एरिया, सब गलत। और परिवार पहचान पत्र के तो क्या नहीं क्या, 2 साल की बच्ची की आमदनी 2,00,000 रुपए दिखा रखी है। इन्होंने जनता पे एक्सपेरिमेंट किए हैं और मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। यस, प्रयोग कर रहे हैं, जनता भी इन पे प्रयोग करेगी। आप ये देखिए, पीला परिवार कार्ड इन्होंने काट दिए 10,00,000, 5,00,000 पेंशन काट दी और ये कहते हैं हमने पेंशन सही कर दी। ये तो जनता बताएगी, क्योंकि लोकतंत्र में तकाजा जनता का होता है, जनता निर्णय लेती है कि आपका काम कैसा है कैसा नहीं है। कौन सा व्यक्ति आज खुश है, व्यापारी, विद्यार्थी, उद्योगपति, किसान, सारे सड़कों पर है, यहाँ तक कि टीचर भी सड़कों पर आ लिए, सरपंच भी सड़कों पर आ लिए। आप ये बताइए कि आपने किस व्यक्ति को सुख दिया, कोई कसर रह गई थी? बिल्कुल बिल्कुल ओंकार जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने आरोप लगाया शिशपाल जी, शिशपाल ओंकार जी और टीना जी, दो के 3 साल का गार्बेज टैक्स बिल्कुल लगा दिया इन्होंने। शिशपाल जी आपके पास आना चाहेंगे। ओंकार जी आपने आपने आरोप लगाया, सिंह साहब आपने आरोप लगाया, शिशपाल जी ने बड़े शालीनता के साथ सुना, आपने पहचान पत्र के विषय में बात किया, टीना जी ने रोजगार के विषय में बात किया और टीना जी ने ईडी सीबीआई को लेकर बात किया। शिशपाल जी देखिए, रवि जी, भाई ओंकार को और टीना जी को अलग अलग किस्म की, मैं समझता हूं, मैं दूसरे शब्द यूज कर रहा हूं, एक अलग टाइप की बीमारी है। ओंकार सिंह जी को क्या होता है, जो हमारी गठबंधन सरकार है, इनको पीड़ा है जजपा से। ये सीधे तौर पर वार करने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से हमारे गठबंधन पर वार करते हैं, जिनसे इनका हाजमा खराब हुआ है, इनका हाजमा बिगड़ा हुआ है। ये पहले अपना हाजमा ठीक करे, फिर हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठाए। दूसरा, डॉक्टर टीना, आप बात कर रहे हैं आरएसएस की। टीना जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आरएसएस से आपको इतनी नफरत क्यों है? या तो आप आंकड़े दीजिए, उदाहरण पेश कीजिए, तथ्य रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नियमों से हटकर आरएसएस के लोगों को नौकरी दी है। अब बिना तथ्यों के आप बात कर रहे हो, आधारहीन बात कर रहे हो, ये ना तो मेरे ही गले उतर रहा है और ना ही प्रदेश की जनता को गला उतर रहा है। उल्टा आप लोग जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हो, आपकी छवि इससे धूमिली होती है। अब आप बात कर रहे हो ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की। आप हरियाणा सरकार जब से आई है, 9 वर्ष पीछे चले जाइए, मोदी जी के शासन से पहले चले जाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई या जो भी केंद्र की एजेंसी थी, वो तो जब से देश आजाद हुआ है तब से देश के अंदर काम कर रही है। आप लोगों ने उनका प्रयोग कब किया? उनको दबाए रखा, उनको गुलाम बना के रखा, उनको कुछ भी करने की इजाजत नहीं की। वो आप लोगों के शासन में वो दबे रहे। सुनिए तीन जी, वो दबे किसी रहे। एक बीजेपी के नेता के आप पे भी आता हूँ आपका उदाहरण, किसी एक नेता के घर गई, ये बता दो आप लोगों सीधे किसी एक बीजेपी नेता के घर गई? अरे ओंकार जी, अरे सुनिए ना, अरे आप बता दो दीजिए, आप सारे दूध के धुले हो। जब एक नेता का नाम ले लीजिए जिसके घर बीजेपी गई है, केंद्र में आई है या प्रदेश के अंदर आई है। हमने सभी सरकारी एजेंसियों को फ्री कर दिया, फ्री हैंड कर दिया उनको। उनको एक ही प्रकार की बात कर, अभी विपक्षों पे आरोप लग रहे हैं, अभी विपक्षों पे छापे पड़ रहे हैं, जो आपका कोई भी नेता दूध का दिलावा नहीं है, उनको पकड़िए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमारी सरकार ने उनको आजाद स्वतंत्र कर रखा है, केंद्र की या प्रदेश की किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी हमारी जांच एजेंसियों में नहीं है। और दूसरी बात ओंकार सिंह जी, अब आप अपनी बात का जवाब ले लीजिए। अरे आपको तो बोलते हुए थोड़ा सा ये संज्ञान लेना चाहिए कि आपके तो मुखिया जेलों के अंदर जा चुके हैं। आप जेजेपी के मुखिया कौन है जो आपके गठबंधन में बैठे हैं? वो कौन है आपके गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, टीना जी आएंगे, बात करनी चाहिए।
शेषपाल जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। टीना जी जवाब देना चाहती है। जी टीना जी बात रखें। देखिए इस प्रदेश के प्रदेशवासियों ने 9 साल तक 950 किसानों की शहादतें झेली हैं। इस प्रदेश ने नू हिंसा जैसी कांड देखा है जो शांति का प्रतीक कहा जाता था। हरियाणा प्रदेश जहां 1947 के समय में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, इस प्रदेश को शांति का प्रतीक कहा जाता था, वहां हिंसाएं किसकी काल में हुई? ये भारतीय जनता पार्टी जजपा ने मिलकर करवाया है और साफ तौर पर दिख रहा है कि इस प्रदेश में हिंसा में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। जिन युवाओं के हाथ में किताबें देनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए थी, स्किल डेवलप स्किल लिए कोस्टल निगम और तमाम ऐसी संस्थाएं बनाकर स्थायी नौकरियां देने के माध्यम में उन्होंने ये ठेके पर नौकरियां देने का काम किया, उनके हाथों में पत्थर देने का काम इस सरकार ने किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, खुद एक महिला होने के नाते, ये युवाओं को नशे की हालत में किसने भेजने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर हाथ खड़े करने वाली सरकार कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं, हमारे पास तो पुलिस जो है सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। किसका बयान था माननीय मुख्यमंत्री साहब? सोचिए पूरे देश के अंदर कैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने इतना ऊंचा बयान दिया हो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, इस प्रदेश में जनसंवाद के समय मुख्यमंत्री साहब लगातार इतने अहंकार भरे बयान देते आए और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, खासकर महिलाओं के लिए। और मैं उस पर आपत्ति दर्ज करती हूँ कि प्रदेश का मुखिया अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उनको प्रवक्ताओं को भी माफी मांगनी चाहिए कि हम एक ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी का मुखिया इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप सोचिए कि आप टीवी चैनल्स पर आते हैं, हमारी या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, किस प्रवक्ता ने बदतमीजी से बात की हो या किसी पार्टी के नेता ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन हम मुख्यमंत्री को देखते हैं। अच्छा कोई भी हम क्यों कहते हैं हमें? क्योंकि आज हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत में 2014 से पहले तो शर्मिंदगी महसूस, हम हरियाणा में अब इस समय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा वासियों ने कैसी व्यक्ति के हाथ में बागडोर दे दी जिसको कोई होश हवास नहीं है, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इतना महंगा दीप कमल जैसा हेडक्वार्टर बना दिया आपने, लेकिन युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया। और ये मुद्दा उठता रहेगा और ये इसीलिए हम इतने जोश से हम ये कह रहे हैं कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये विश्वास वोटर्स ने दिया है, जनता ने दिया है, क्योंकि इनकी सरकार के समय लगातार प्रदेश के युवाओं पर अत्याचार हुआ है और खासकर व्यापारी वर्ग पर, छोटे किसानों पर। और जितने किसान है, किसान तो बीजेपी का नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं, ये वही किसान है जो इस प्रदेश के युवाओं लोगों को अनाज देते हैं, अनाज खिलाते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान जिस तरीके से लगातार घटाया गया है वो किसकी पार्टी के द्वारा? भाजपा के द्वारा। देखिए अगर कोई बिल्कुल टीना जी आपने हजार चीजें गिनाई कि बीजेपी ये ठीक है, आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, ये आपका कहना है, आपके पार्टी के नेताओं का कहना है, लेकिन आपके पार्टी के बीच में क्या कुछ चला ये आपको बखूबी पता भी है। ओंकार जी आपके पास आएंगे, टीना जी कह रही कि अब 2024 में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, पहले तो मैं शीषपाल जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने दो बातें कही, एक तो उन्होंने कहा पर्ची खर्ची बंद, हाँ कर दी इन्होंने पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए सचिवालय से मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? जितने लोग ये भर्ती कर रहे हैं सारे बीजेपी और आरएसएस के हैं, ये गारंटेड है। यहाँ अम्बाला में भी जितनी नौकरी लगी सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगी, ये पर्ची खर्ची बंद अटैची का कर लो प्रबंध। दूसरा, इन्होंने हमारे पे आरोप लगाया, इनके पास कौन सी मशीन है? जो व्यक्ति इनके साथ चला जाता है उसको धुल के बिल्कुल निर्मा जैसी सफेदी आ जाती है। जेजेपी जो हमारे में से निकल के पार्टी बनी, क्या वो आरोप उनके ऊपर नहीं लगे? ये इनको नहीं नजर आते, वहां सूरदास कैसे बन जाते हैं ये? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं आने वाले चुनाव की, मैं बताना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस आपसी गुटबाजी में फटी हुई है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इनके अभी तक जिला प्रधान और हल्का प्रधान नहीं बने, एकमात्र इनेलो ऐसी पार्टी है जो फरवरी से पद यात्रा पर है और अब रथ यात्रा शुरू करी है। आज जनता इनेलो के साथ है, जनता इनेलो का साथ चाहती है। और ये जो शीतपाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो बता दें कि जब हमारी सरकार थी जिस टाइम के ये आरोप लगे उस टाइम आप किसकी गोद में बैठे हुए थे? आप हमारी गोद में थे, ये भूल जाते हैं लोग। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये विकास की बात करते हैं, 67,000 करोड़ कर्ज था 2014 में, अब 4 लाख करोड़ के करीब हो गया, कहाँ गया है पैसा? 1,83,950 करोड़ का बजट, और उस बजट में 1,000 करोड़ से भी नीचे का रकम सिर्फ उद्योगों के लिए
आज युवा नशे के आदोश में जा रहा है, युवा नशे बेरोजगारी के हटकर नशे में जा रहा है। कहाँ है सरकार? नशा बिकवाने वाले भी नहीं किए हैं, क्यों नहीं नशे पर कंट्रोल करते? बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? रोटी खाने के लिए नशा बेचेगा भी, नशा प्रयोग भी करेगा। इन्होंने उद्योग लगाने की कोशिश ही नहीं करी। कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ली इन्होंने? क्या संरचनात्मक विकास किया जो 67,000 करोड़ से 4,00,000 करोड़ पर पहुंच गए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए जनता को, और जनता ने तो इन्होंने 2019 में नकार दिया था, 90 में से 40 सीट दी थी, 50 विरोध में। ये तो कुछ लोग स्वार्थी किस्म के लोग जो इनकी गोदी में बैठ गए, जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे इन्हें यमुना पार पूछाएंगे, वही इनकी गोदी में बैठ के तो सरकार बनती। इनकी तो सरकार भी नहीं बननी थी, 2019 में जनता ने इनको नकार दिया था। हरियाणा के लोग बहुत शिक्षित और पढ़े लिखे हैं, उन्होंने काट की आंटी एक बार चढ़ाई थी, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार तो उन्होंने स्वयं चढ़ाई, जेजेपी वालों ने चढ़ाई। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता अगर बिल्कुल 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 तो बीजेपी और जेजेपी को मन बिल्कुल बिल्कुल। ओंकार जी, शेषपाल जी, ओंकार जी का सीधा आरोप है कि एक बार आपको मौका मिला दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए रवि जी, ओंकार भाई कह रहे हैं कि उनकी पदयात्रा, ये वास्तविकता से भाग रहे हैं। असल में प्रदेश के मतदाताओं ने इनके जूते निकाल लिए और इनके सर को सड़क आगे आगे दौड़ा रहे हैं। नंबर दो बात, आप क्या बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की? ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे नोटों की माला नहीं चलती। सरकार बदलने दो, पता लग जाएगा कौन कौन से मंत्री जेल में जाएंगे तुम्हारे। सरकार बदलने दो, शासन के अंदर थैलियां चला करती, पता लग जाएगा तुम्हारे को, अच्छे अच्छे मंत्री जेल में मिलेंगे तुम्हारे। जो नोटों की माला, एक चाय पीने के लिए आपको जो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लाखों रुपए की थैलियां भेंट करनी पड़ती थी, उस परंपरा को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज प्रदेश भर के अंदर किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, आप ये हमारा ये साबित कर दीजिए कि कहीं हम चाय पर पैसों से तोल मोड़ कर जाते हैं, पैसों में तोला जाता है। आप याद कीजिए, आप अपना जमाना याद कीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाइए। टीना जी, आप जनसंवाद की बात कर रहे हैं, असल में आपको ये भी पीड़ा है कि जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री जी चर्चित हो रहे हैं, इनके विकास कार्य जन जन तक जा रहे हैं, विकास कार्य महिलाओं के बीच सीएम साहब की पोल खुल रही है, मुख्यमंत्री जी से जुड़ रहे हैं, चुनाव के समय उनको जनसंवाद याद आ रहा है, इसके पहले क्या कर रहे थे? जनसंवाद जो कार्यक्रम है ये दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में तीसरी बार लाने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। केरीलाल के सपने अच्छे हैं, लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जनता ने तो 2019 में था। ओंकार जी आपने कहा, ठीक है शेषपाल जी, आपने कहा कि तीसरी बार रिपीट करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार बनाएंगे, ओंकार जी का कहना है कि हम भी सरकार बनाएंगे। कोई ये नहीं कहने के लिए तैयार कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। लास्ट हमारे पास समय कम है, तो लास्ट कमेंट 50-50 सेकंड का चाहेंगे। पहला टीना जी आपसे, अगर आगामी लोकसभा का चुनाव है 2024 में, विधानसभा का चुनाव भी है, तो अगर रणनीति हरियाणा से बन रही है और हरियाणा की जनता के लिए बन रही है, तो क्या रणनीति होगी टीना जी? देखिए, सबसे पहले हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से हम ये बहुत दावे के साथ कह रहे हैं, और हमने मैनिफेस्टो में भी डालने वाले, ओपीएस इस प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा, और पेंशन बंद किसने करी थी? युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी सरकार। और जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर ये हमेशा पीछे रही है, महिला सुरक्षा का नाम काम किया जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर नौकरियों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, स्थायी नौकरियां दी जाएगी, इनकी तरह कच्ची नौकरियां देने का काम नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल 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 टीना जी ओंकार जी का काम किया वो सब देंगे जाए जी। आप भी अपनी देखिए जी जी देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों हमारी प्राथमिकता रहेंगी। ओपीएस पेंशन बंद किसने करी थी? हुड्डा साहब ने बंद करी थी, वो लागू हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा की लाइफलाइन SYL का मुद्दा भी INLOL करेगी। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कभी पंजाब में पाल जी, पंजाब जी सब कुछ हल करने के लिए ओंकार जी तैयार हैं। आपके पास कोई मुद्दा बचा है या नहीं कि सारे मुद्दे ओंकार जी के पास, टीना जी के पास पहुंच गए हैं? शेषपाल जी, इनके पास रवि जी कुछ नहीं, इनकी झोली पहले भी खाली थी, अब भी खाली है। टीना जी बोल रही है कलम, टीना जी वो कलम तो है ही नहीं आपके पास, आप किस कलम का प्रयोग करोगे? दूसरा मुद्दा,
SYL, ओंकार जी मैं शुरुआत के अंदर ये बात भूल गया था, आपने याद करा दी, आपका आभार। SYL का अगर हरियाणा के अंदर पानी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उस पानी को फिलहाल समय ओंकार जी, शेषपाल जी, समय समाप्त हुआ, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आप तीनों मेहमानों को हम रोकना चाहेंगे। शेषपाल जी आपका और टीना जी आपका, ओंकार जी आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार आगामी 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वहीं सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। बीजेपी सरकार लगातार दम भर रही है कि आने वाले कल में भी बीजेपी एक बार फिर से सरकार दोहराएगी। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।